मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच के आदेश पर स्वर्णरेखा नदी में मिलने वाले पानी को की जो सैंपलिंग कराई गई है उसके उसको जोड़कर उससे निकली खबर, जिसमें इंटरविनर एडवोकेट अवधेश सिंह तोमर ने सैंपलिंग कराई। इंटरविनर ने हाईकोर्ट में दलील दी थी कि सवर्ण रेखा नदी में नालों का मिलान किया जा रहा है, इसलिए पानी की सैंपलिंग की जाए। आपको बता दें, नगर निगम ने कहा था कि इस लाइन में केवल बरसात का पानी आएगा, लेकिन नाका चंद्रवानी पर सीवर का पक्का नाला बनाया जा रहा है। फिलहाल इस मामले की सुनवाई 12 अप्रैल को हाईकोर्ट में होनी है, उससे पहले सैंपलिंग कराई गई है। वही सैंपलिंग के दौरान निगम का कोई भी अधिकारी मौके पर मौजूद नहीं था। गंगेचाचा का हाईकोर्ट में चल रही है, जिस पर पूर्व में सुनवाई के दौरान मुझे माननीय उच्च न्यायालय द्वारा मौखिक रूप से कहा गया था कि स्वर्ण रेखा नाले में जो नाले को मिलाने का काम कुलदीप नर्सरी से किया जा रहा है। नगर निगम का कहना था कि इसमें साहब स्ट्रॉन्ग बरसात का पानी आता है, वो स्वर्ण रेखा में जाएगा। मेरा यह कहना था नहीं साहब, इसमें सीवर का और गंदा पानी इसमें आता है जो स्वर्ण रेखा में मिलाने का काम ये कर रहे हैं। लगभग 18 करोड़ रुपये की लागत से एक नाले को स्वर्ण रेखा में मिलाने का काम कर रहा है, जबकि माननीय उच्च न्यायालय की मंशा है कि एक स्वर्ण रेखा साफ हो, उसमें साफ पानी आए, मगर नगर निगम उसके विपरीत काम कर रही है, जिसको लेकर मैंने सैंपलिंग कराई है। सैंपल की रिपोर्ट आने के बाद मैं माननीय उच्च न्यायालय के सामने रिपोर्ट पेश करूंगा। इस मामले में अगली सुनवाई 12 तारीख को होनी है।